किसी की बेटी है, समझे, तुम उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, धमकियां दे रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, वीडियो बना ली, ये कर दिया। मेरी बहन नहीं क्या, नहीं मेरी कोई वीडियो नहीं मेरे को बनाया, क्या, मेरी हाँ मेरे मेरी कोई ये लोग वीडियो मैं, बना भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इसके सामने ऐसे वैसे हरकत नहीं की हूँ। नहीं, वो तो चलो ठीक ये है। देखो अभी ये मेरे को पूछ रहे हैं कि सूफी तेरे को क्या है, तुझे क्या लेना देना। भाई कोई लड़की आई, उसको प्रॉब्लम है, उसने अपना दुख रखा, बोला इसकी भाई एक मेरे को, बहन है, इसकी एक बहन है, इसकी बहन के साथ होता था तब भी यही पूछता, बहन का लौड़ा ये। हाँ, इसकी बहन लव मैरिज की है ना, उससे भी यही पूछता ये मादर चोद। भाई देख लो, ओ माय गॉड, भाई ये तो गलत बात है ना फिर। अब वो भी तो किसी की बहन है जिसकी तुम इज्जत उछाल रहे हो। इसको क्या पता, इसको बहन बेटी का क्या मतलब, इसकी बहन तो छोटे उम्र में लव मैरिज करके भग गई, ठीक है, इसकी माँ पागल होके मर गई। हाँ, इसका बाप उसकी माँ के दुख में मर गया था, इसको क्या पता फैमिली के बारे में, मादर चोद को। देख लो भाई, अभी जितने भी भाई अपने बैठे हैं, अपने पनोड़ी भाई, आज मंडे है, अभी वो चेक साइन कर रहे हैं, उन्होंने कहा अरे जमा ये दो। तो पता है, इसकी इसकी 9 साल की बेटी थी ना, इसकी बहन मतलब उसकी वाइफ की, उसके ऊपर भी गलत नजर डालता था, बोलता नहीं था कि यार, उसके ये इतने बड़े थे, वो इतने बड़े थे, मादर छोद। नहीं यार, सच्ची, हाँ, ओ भगवान, जबकि रिश्ते में उसकी बेटी लगती थी। स्टेप डॉटर हो गई शिट, ना उसकी बीवी की, उसकी बीवी की पहले हस्बैंड की हाँ पत्नी। शिट यार, और क्या। नो वे मैन, दिस इज रिडिकुलस, बहुत गलत है भाई, बहुत ज्यादा गलत है ये तो। ओ बहन भगवान, का लौड़ा, मैं सारी चीजें भेजूंगी, रुको, कल 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 का टाइम दो, इसके देखो सारे अभी पोल पट्टी खोलती। अभी तुम्हें अभी व्हाट्सएप करना में क्या मेरा है, कॉल करके, अभी व्हाट्सएप में कॉल करके मेरे ब्लैकमेल कर रहा था कि हाँ तेरा ऐसा कर दूंगा, तेरे को ऐसा कर दूंगा, तो करके दिखा, एक छोटा सा प्रूफ मैं तू दिखाता हूँ, कर। ट्रेलर, एक मैं ट्रेलर ये दिखाता अपने हूँ। अप अपने तो प्राइवेट पार्ट्स का ना फोटोज भेजा ये, और डिलीट किया, देख लो, देख लो आप। फिर मैं उसका ओहो, रिस्पॉन्स भी की थी, अब देखो मैं आप। तुम्हें, हाँ अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, पब्लिक जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ट्रेलर, बाकी की फिल्म तुम्हें कल दिखाएंगे। वी पूजा को किस तरह से वो धमकाता था, किस तरह से वो गालियां देता था। अगर वी पूजा तुम मुझे इजाजत दो तो मैं सुनाऊं इनको, पब्लिक को, सबको। तुम हाँ सुनाओ सुनाओ। इजाजत देती हो मुझे? हाँ सुनाओ। ये लो भाई, सुन लो, ये मेरा अभी स्पीकर कनेक्ट हो गया, अब इसको सुन लो भाई, ये लो। फ्रेंड बन के भी मेरे लिए गलत बोला, ठीक है, और तेरे जो कर रहा है, और बात की एक हद होती लाइफ चलाया था मेरे लिए, एक सेकेंड, फ्रेंड बन के भी मेरे लिए गलत बोला, ठीक है, और तेरे जो कर रहा है, ध्यान से और सुन दास लो, की एक हद होती थी तुम भी लाइक चलाया था मेरे लिए, कल भी मेरी आईडी देख के गलत बोला ना, अब तू देख मैं कितना गलत अब बोला। सुनियो कैसे गाली दे रहा है। तेरी तो बहन का लोड़ा ही देऊंगा मैं, तने फेल भी मेरा नहीं जाता, रंडी बहन की लोड़ नहीं तो कोई तेरा तने कोई पूछे नहीं था बहन। अब भाई तुम सुन लो इस लड़की को कैसे कैसे वो गाली दे रहा है, अब सुन लो ध्यान से, बाद में मत बोलियो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये लड़के झूठ बोल रहे हैं। अब मैं तुम्हें इसके बाद एक ऐसी बात बताऊंगा, ऐसी बात, सच्चाई बताऊंगा भाई, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले ये पूरी बात सुन लो, ये देखो, तेरी तो बहन का लोड़ा ही देऊंगा मैं, तने फेल भी मेरा नहीं जाता, रंडी बहन की लोड़ी तो कोई तेरा तने कोई पूछे नहीं था बहन की लोड़ी, तने मैं दिखाऊंगा एक तारे तू के अपनी लाइफ में गाली दे भी चला गया बहन की लोड़ी, तने तेरे यारा तने पूछा बहन के लोड़े का बार बार तेरा नाम लेते पूजा के साथ पंकज रंडी तन तो सुधर पति रे मेरे पति गंडवी बहन की लोड़ी। शर्म आनी चाहिए पनौड़ी भाई, ये देखो। अरे पनौड़ी भाई ये ट्रेलर है, मतलब सारी चीजें, मतलब सारी की सारी कल चीजें दूंगी मैं, भाई। कल दूंगी वी मैं। पूजा तुम्हें सल्यूट है यार, कम से कम, नहीं तो पनौड़ी भाई ये लोग मिलके पता क्या साजिश कर रहे हैं कि हम ये दिखाओ ना, ये दिखाओ, ये गाल, ये रिकॉर्डिंग मैं क्यों भेजी हूँ,
वहां पे वो अपनी पर्सनल पार्ट्स का फोटोज भेजा, ठीक है, उसके बाद में उसको चैट में कुछ लिखी हूँ, वो दिखाओ ना आप लाइव पे। पनोड़ी भाई देखो, पनोड़ी भाई सुन रहे हो, ये देखो नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो जो औरत नारी शक्ति कर रही है वो अभी देखो, ये औरत मुझे पूजा और तुमको ही गाली दे रही है, देख लो भाई, ये लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं। पूजा इसीलिए बदनाम है, वो हमेशा सच बोलती इसलिए। ये देखो भाई, कोई बात नहीं, ये इसने ये फोटो में भेज के डिलीट करी हुई है, और नीचे की चैट अभी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ पूजा ने क्या आंसर किया है। इसने किया कि ये अरे बूढ़ा भोसड़ा, तू चाहे जितनी भी गाली दे दे, सच्चाई सच्चाई रहती है। यहाँ पे तेरी चूत फट गई, इसलिए तू नारी शक्ति को सपोर्ट नहीं कर रही है। अब कहाँ गई तेरी नारी शक्ति, बहन की लोड़ी, लोगों का हराम का फेम खाना बंद कर दे बूढ़ा भोसड़ा, मादर चोद साली दो कौड़ी की रंडी खा गई अपने पति को, तो तू बहन चोद साली रंडी दो कौड़ी की। यहाँ पे देखो भाई, नारी शक्ति लिखती है ना पूजा, वो नारी शक्ति, ये गुड़गांव का भोसड़ा, ये बकरी। अरे हमने इसको कहा तू सच्चाई का साथ दे, तू लड़कियों का साथ दे उसको। अरे यार सच्चाई का साथ तभी देगी ना, कोई अपने मतलब इष्टे रहेगी अपने बातों पे, बदल जाएगी तो कैसे सच्चाई का साथ देगी यार। कोई भारती बदल गई तुरंत ही, उसके साथ लाइव में बैठे थे वो बदल गए, अभी मैं लाइव देख के आ रही हूँ। अरे भारती इसलिए बदल गई कि भारती चक्कर में ऐसे बदल जाते हैं लोग, भारती को अभी भी वो बहन के लोड़े धमका रहे हैं, क्योंकि भारती ने ये बोला कि पनोड़ी भाई तू तो अमेरिका में, तेरी फैमिली अमेरिका में, हम लोगों को इंडिया में रहना है। उखाड़ लेंगे क्या, उखाड़ लेंगे। अरे भाई पूजा, सब लोग तुम्हारी तरह हिम्मत वाले नहीं होते है ना। हाँ मैं बैठी हूँ, मैं खुले बोल रही हूँ, ठीक है, क्या उखाड़ लेंगे मादर चोदिए बहन को लौड़े रेपिस्ट। देख लो भाई, एक बारी पनोड़ी भाई अभी आप लाइव पर नहीं थे, एक पूजा ने एक ऐसी बात बताई, मतलब सुन के दिमाग खराब हो गया भाई। सुनो तेरी माँ की चूत, तेरी शेरनी का मेरे लौड़े की शेरनी, बूढ़ा भोसड़ा कान खोल के सुन ले, तू चाहे जितनी भी पक्चोदी कर ले, तू चाहे सब पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि तू एक झूठी नंगड़ विधवा है, तू एक झूठी नंगड़ विधवा जिसको ना तो पीछे कुछ है ना तो आगे कुछ है, समझी, तू सिर्फ लोगों का हराम का फेम खाती है। मैंने तो सुपी भाई तुम्हें पहले ही मना किया था कि बूढ़े भोसड़े को मत ऐड करो, तुम यार कहां इसको मादर चोद को तुमने ऐड किया अपनी लाइफ पे। मादर चोद फिर फोन कर रहा है, तेरी बहन की चूत, बहन के लोड़े पागल है क्या रंडी के। हाँ मैंने तो तुमको पहले ही मना किया था कि इस भोसड़े को, बूढ़े भोसड़े को मत कुछ फेम दो, ये बहन चो फेम की बात तो दूर रही, ये बहन की लोड़ी अपनी, अरे ये अपनी, अरे ये बूढ़ा भोसड़ा मादर चोद खुद की सिस्टर की इज्जत लूट लेंगे ना, फिर भी ये मादर चोद उन लोगों के साथ खड़ी नहीं रहेगी, तो ये भी पूजा और उन लोगों के साथ कहाँ खड़ी रहेगी, ये साली दो कौड़ी की बुढ़िया नंडी। और वो सुन, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी बहन की लोड़ी, दो कौड़ी की नंगड़ विधवा, अब दो दिन बाकी है नवरात्रा खत्म होने में, तेरे रोहित का टेटवा मादर चोद नहीं दबाया ना, मैंने तो देख लियो, बहुत उछल रही है ना तू, तेरी माँ की चूत, तेरी दिखाता हूँ मैं तुझे तमाशा। 350 अब बताओ पंकज को गाली दो पनोड़ी भाई, अब मैं भी देता हूँ तू भी दे, बहन की चूत ऐसे रंडीबाज की, रुक अभी बताता हूँ, हमें झूठा बता रहा था ना मादर चोत, सुन ले अब रुक एक मिनट में आ रहा हूँ। अरे मैं कल पूरा सारा प्रूफ कर दूंगी, अभी कुछ मत बोलो किसी के बारे में, मैं सारा प्रूफ दूंगी। अरे देखो भाई, मैंने तो अभी पिछले कुछ महीनों से नहीं, मेरे को फेम चाहिए। सुनो आदित्य, मैं तो इंस्टाग्राम वैसे भी छोड़ चुकी हूँ, बहुत टाइम बाद ही लाइव आ रही हूँ, ठीक है,
ना ही मेरे फेम की जरूरत है, ना ही फॉलोअर्स की, ठीक है। और शुरू से नहीं रहा इन चीजों की जरूरत, ठीक है। मेरे फेम खाना होता तो बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुए हैं मेरे नाम से, है ना। सही है, सही। अरे यार, ये मादर चोद की सच्चाई सामने लानी थी मेरे को। ओ पंकज इंसान का, तेरी बहन की चूत, साले रंडी के बच्चे, हराम जादे, तू लड़कियों को देख अपने मुंह से, वो लड़की बोल रही है, देखा देखा सबने देखा, वो लड़की अपने मुंह से बोल रही है। पहले भारती को इन्होंने डरा दिया, इसलिए उसने स्टेप बैक कर लिया। और ये बहन चोद बड़े घर पे बने फिर रहे हैं समाज के ठेकेदार, झूठे लोग। बहन चोद मारो पनौड़ी भैया इनको, गिल्ली चुत्ती करके मारो बहन के लोड़ों को। कौन से समाज के ठेकेदार जो छक्कों को नहीं छोड़ते, छक्कों को नंगा करवाते लाइफ पे, ये समाज के ठेकेदार है मादर चोद। सुन लो, फेक आईडी से बैठे हो ना तुम, उसके टट्टे सुन लो, लड़की के मुंह से मादर चोद, बहन के लोड़े, तुम्हारी आंखों पे जो तुम्हारी अकल पे पड़ता पड़ा हुआ है ना, सुन लो। नहीं, ये नाम बोल देते कि एंजॉय कर रहे थे लाइफ पे, हाँ तुम लड़कियों को नंगा करके एंजॉय करते, बहन के लौड़े मादर चोदो। अरे ये एक रेपिस्ट बंदा जिसने अपनी बीबी का रेप कर दिया, उसने और उसके भाई ने, बहन की तेरी माँ का भोसड़ा। मैं तो ये चाहता हूँ पूजा कि तुम उसकी फैमिली में फिर से कांटेक्ट करो, और उनकी फैमिली में, मैं तो करूंगा ही करूंगा, छोड़ूंगा नहीं इस माँ के लौड़े को, उसके बूढ़े बाप को मैं पागल कर दूंगा फिर से। तेरा बूढ़ा गरीब बाप, मैं कॉन्टेक्ट नंबर देती हूँ सबका इसका। हाँ, तू सारी चीजें मुझे दो, सुनो, तेरे बूढ़े बाप को है ना मैं पागल कर दूंगा फिर से तेरे बूढ़े बाप को, और तेरी बहन और तेरे जीजा को फिर से मैं बहनचो पागल कर दूंगा, समझा। बहन की चूत तेरी साल, तुझे दिखाऊंगा कि जब खुद की बहन नंगी होती है ना ये तो कैसा चल लगता है वो। कि ये डंडे मारते रहे सामने वाले को और सामने वाली चुप बैठे रहे, ये चाहता है। अरे मुझे कब से पता था कि ये लड़कियों के साथ नंगा नाच करता है डीएम में, बहन के लौड़े ये ग्रुप कॉल में ये सारी चीजें करते हैं। मैं तो कब से बोल रहा था, दो दिन से, ये देखो पूजा ने खुद बोल दिया कि ये बहन के लौड़े ग्रुप में बातें करते हैं और बहन चो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं ये। अरे साले फिर रिकॉर्डिंग करके फिर एक एक बंदे में बांटते, फिर वो पर्सनल कॉल करके तेरी बहन को गली गली चुदाना, मादर चोद रंडी के बीच कुत्ते हरामी, बहन चोद तेरी बहन को गली गली पे चुदाना, किराए किराए पे चुदाना, दो दो कौड़ी में चुदाना, चिंटू चुदाना, यह है तेरी औकात। अभी सुनो, वो दूसरे की ये जो लड़की बैठी है किसी की बेटी नहीं है क्या? हाँ, इसकी कोई इज्जत नहीं है? हाँ, इसका इसका ये कसूर होगा कि वो आपके साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ गई, तो आप उसको बदनाम करोगे? आप आपको ये लगेगा आप चार पांच लोंडे मिलके ये ये मेरे से जुड़ा था जेनिस के नाम पे, ये जुड़ा था जेनिस के नाम पे, है ना। फिर जेनिस मेरे से कम्प्रोमाइज किया, सॉरी वगैरह बोला, ठीक है, फिर से मेरी लाइफ में ऐड होने लग गया, फिर ये मेरे को बदनाम करने लग गया कि उसके साथ क्यों जुड़ती है, तो तेरे को मना किया हूँ ना। अच्छा, फिर ये मेरे ब्लैकमेल करने लग गया। ची, 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 ची। बहन का लौड़ा, तू रंडियों को नंगी करवाए लाइफ पे, और मैं किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती। सुन लो भाई, सुन लो, जितने भी लोग बैठे हैं, रियल आईडी से बैठे हैं, फेक आईडी से बैठे हैं, ये बहन के लौड़े मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे को पुलिस तुम्हारी माँ का देख लो भाई। जितने भी औरतें बैठी है ना नीचे, जितनी भी लड़कियां बैठी है, जो भी कुछ बैठा है, ये हरियाणा से चाहे पूरे इंडिया से जितने भी लोग बैठे हैं, देखो ये नारी शक्ति, ये नंगड़ विधवा, ये देख लो नंगड़ विधवा का असली खेल। नंगड़ विधवा को सिर्फ चाहिए फेम, खुद की माँ चूत जाए, खुद की बहन का रेप हो जाए, खुद के बेटे का बहन जो लोग टट्टे काट ले, फिर भी ये औरत को सिर्फ, ये नंगड़ विधवा को चाहिए फेम। नारी शक्ति, नारी शक्ति बोलती है ना तू, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी तो खड़ी रहे यहाँ पे, क्यों अब बहन चोद वहां लाइव चालू करके लोगों हमको गाली दे रही है, फट गई तेरी चूत। अरे दिन में पनौड़ी भैया जब वो लाइव पे आई थी तो मैंने बोला था कि पनौड़ी भाई इसको गाली मत देना, ये नारी शक्ति की सपोर्ट करेगी भाई, सच्चाई की सपोर्ट, हमारी सपोर्ट मत कर, हमें तो जरूरत भी नहीं भाई किसी के सपोर्ट की, बट सच का साथ। मैं देख रही थी लाइव, अरे सच का साथ दो यार भाई, फकिंग सो फेक मदरफकर।
वुमन उस बुड्ढे को ऐड करो ना जो अभी सपोर्ट कर रहा था, उसको ऐड करो जरा, मैं दू प्रूफ उसको। कौन बूढ़ा, कौन बूढ़ा सपोर्ट कर रहा है? मैं इसको सोफी को ऐड, सोफी को भेजी हूँ सारा कुछ। चिंता मत कर, पनोड़ी सॉरी आदित्य वो आया था ना फर्स्ट टाइम मेरे बदनाम करने वाला, वैसे ही सेम था, वैसे ही सेम था। अरे माँ छोड़ दूंगा मैं सबकी, सबके आईडी उड़ा दूंगा। और सुनो बूढ़ा भोसड़ा, तेरी माँ की चूत तेरी दो दिन खत्म होने दे, तेरे बट्टे तेरे रोहित का टेटवा मादर चोत नहीं दबाया ना मैंने, तू याद रखियो, तेरी सारी हवाबाजी निकाल दूंगा मैं दो दिन में, तू रुक। तेरी माँ की चूत तेरी आज, और तो नारी शक्ति, नारी शक्ति जिंदाबाद, तेरे बूढ़े भोसड़े में बहन चोत नारी शक्ति जिंदाबाद, समझी? कितना सपोर्ट, गलत चीजों का कितना सपोर्ट यार, लोग दो मुंह बात करते हैं यहाँ पीछे। शर्म आता है जो अपने आप को फ्रेंड बनाते हैं, अपने आप को फैमिली मेंबर बनाते हैं, फॉलोअर्स के चक्कर में इतने गिर जाते हैं कि पूछो मत। ये माधव चौधो को शर्म आनी चाहिए, वो अकेली लड़की हिम्मत करके आई है, तुम उसको रिस्पेक्ट करो। कुछ भी बहन कुछ भी दिख रही, पनोड़ी भाई सल्यूट है भाई आपको। ये देखो भाई, भाई आपने अपना जो करेक्टर बना के रखा ना इंस्टाग्राम के ऊपर भाई, ऐसे नहीं लोग मानते भाई। ना तो पनोड़ी भाई किसी से पैसा मांगे, ना ये लड़कियों को नंगा करे भाई, भाई कंट्रोवर्सी करे जो मर्जी करे भाई, वो आपको छूट है भाई पूरी। बट साथ देते ना गरीब का भाई, उस टाइम पे पनोड़ी भाई जब कोई किसी का साथ नहीं देता ना अकेला, फिर अब पनोड़ी भाई ये नहीं देखते कि सामने वाले की लाइव आईडी छोटी यार। उस टाइम पे जो इंसान इसका सगा है तब भी ये मेरा साथ दिया था। हाँ स्वामी हाँ, है ना? निकल माधव चौधरी, निकलते की मैं भी ब्लॉक करते जा रही हूँ, जितना गंदा बोल रहे हैं ना उनको ऐसे ही ब्लॉक करते जा रही हूँ, देख रही हूँ मैं भी। निकलो बहन के लौड़ो, जिस दिन तुम्हारी बहन और माँ के साथ ऐसा होगा ना तब पता चलेगा तुमको। चल निकल विक्की, तेरी माँ का बोचड़ा बहन के लौड़े, तेरे बाप को शर्म नहीं आई जब मैं क्या लड़की सामने बैठी मेरे से ज्यादा तेज बड़ी वाली गाली नहीं दी जा रही भाई, छोटी गाली तो मतलब अभी मजबूरी है यार। मैं तो सोफी इंस्टाग्राम छोड़ चुकी थी, मैं परसों लाइव, जितनी भी बहनें बैठी हैं सबको सल्यूट है, और जितने भी अपने दोस्त बैठ के अपना साथ दे रहे हैं ना भाई, दिल से सल्यूट है भाई। हाँ सूफी आपको बहुत प्यार करता है, और पनोड़ी भाई आपने जो फैसला किया ना भाई, इन लोगों को नंगा किया भाई, मौज कर दी। पनोड़ी भाई इसी तरह जिंदगी में आगे भी सच का साथ देना, झूठ का साथ कभी मत देना, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे आईडी उड़ जाए भाई, चाहे भाई मार पड़ जाए, चाहे बहन चोद कुछ भी हो जाए, झूठ का साथ नहीं देना हमने पनोड़ी भाई, याद रखियो, डरेंगे नहीं कभी। पूरा हिंदुस्तान, मैं जो आज बोली हूँ कल मैं प्रूफ कर दूंगी, ठीक है? अगर जो सच समझे तो समझे, झूठ समझे तो समझे, कल मैं प्रूफ कर दूंगी सारा। काम कर तू, है ना, तू भी पूजा सिर्फ उसके फैमिली के सारे नंबर्स एंड वो सारी चीजें मुझे दे दे, फिर देख इसकी कैसे मां चोदता हूँ मैं, और मुझे सिर्फ इतनी डिटेल्स दे दे कि कौन से पुलिस थाने में उसके ऊपर केस लगा हुआ है, वहां से डिटेल्स लेके यहाँ पे बहन के लौड़े ने इसकी ऐसी मां चोदूंगा ना मैं, आई प्रॉमिस यू माधर चोद को, है ना, मैं दो दिन में उसको मैं बहन के लौड़े को जेल में नहीं डलवाया ना मैंने। मुझे सिर्फ डिटेल्स दे, मुझे सारी चीजें मुझे तू दे, उसके फैमिली के फोन नंबर और वो पुलिस स्टेशन में जहाँ पे कंप्लेन हुई है, देती हूँ मैं पूरे डिटेल देती हूँ नंबर से। हाँ पूरी सारी चीजें दे, इसकी इसकी सारी हवाबाजी, इसकी हेकड़ी है ना, अब मैं निकालता हूँ माधर चोत की, समझी ना? और ये वो सुनो बूढ़ा भोसड़ा, तेरी बहन चूतने वाली है दो दिन में, मेरे रोहित को कुछ, मेरे रोहित तक पहुंच, तेरी मां चोत दूंगा मैं। रात भर सोफी, रात रात भर मेरे से बात करता था रो रो के, ठीक है? तेरी इसको इतना मतलब समझी थी, बट ये बंदा इतना गंदा निकल जाएगा मैं सोच ही नहीं थी। रोता रहता नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, बूढ़ा भोसड़ा तेरी बहन चुत गई, अब क्यों, अब क्यों नहीं बोल रही तू कुछ? माधव चोद लेकिन जहाँ पे फेम खाना है वहाँ पे जाओ, जहाँ पे फेम मिलता है वहाँ पे जाओ,
तेरी माँ की चूत तेरी, सही कह रहे हो पनोड़ी भाई, हटा दे तेरा आईडी से ये नारी शक्ति बारी शक्ति का तेरा बहन की लौड़ी ये झूठा डोंग। किस किस एक औरत बता दे बूढ़ा भोसड़ा, एक औरत बता कि तूने एक औरत की हेल्प की हो, एक औरत तो बता दे। फिरती है नारी शक्ति जिंदाबाद, तेरा बूढ़ा भोसड़ा चीर दूंगा मैं, समझी तेरी माँ की चूत तेरी। और सुनो चिंटू छुदाना, बहुत तू बहुत हवाबाजी करता है ना लाइव पे आके, तेरी माँ की चूत में घुस के ऐसे हंसूंगा ना, तब तेरे बाप को पता चले आपने चौदह ही क्यों। भाई इसकी बहन का नंबर दे मुझे, इसकी बहन को मुझे बोलना है कि मैं तुझे इतने डॉलर्स ऑफर करता हूँ और तू चूत में फिंगरिंग करके दिखा, मैं तुझे दो चार खेत ऑल्सो मैं लाके दूंगा, तेरे बेटे को भी मैं पाल लूंगा, तेरी बेटी को भी पाल लूंगा, और तेरी बेटी है ना उसको मैं टॉप की रंडी बनाऊंगा। उसकी बहन का नंबर दे मुझे, इसको इन लोगों को बहन के लोड़ो को इतना गंदा बोलूंगा मैं, तुम्हारे माँ का भोसड़ा तुम्हारी। कल सारी डिटेल देती हूँ, सारी डिटेल्स मुझे एक बार तू सेंड कर दे, इसके बूढ़े बाप को मैं फिर से पागल कर दूंगा। बहुत खेला करना है ना तुझे, बहुत गाली देनी है तेरे बाप पनोनी को, बहुत अच्छा लगा था तुझे गालियां देख के, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था तेरे मुंह से गालियां सुनकर, मैं तो वेट करके बैठा था कि कब तू मेरे जबड़े में आए मादर चोत। तुझे सारी चीजें तुझे यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सी लगती है, कुछ नहीं होगा, बकचोदी है। इंस्टाग्राम में पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि पनोनी हवाबाज नहीं है, समझा, बोला था ना तेरा आईडी उड़ा दूंगा, अब तेरा दूसरा भी उड़ाऊंगा मादर चोत। ये बोलो पनोड़ी पैसे खर्च करके रियलिटी देखता है, तुम मुचोदी करके देखते हो, समझा, तेरी माँ की चूत तेरी, साले कुत्ते हरामी, ये चिंटू चुदाना तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, अपने आप को तू पहलवान बोलता है चुदाना, पहलवान बोलता है तू अपने आप को, भोसड़ी के पहलवान लोग औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, समझा, जिसकी चूत में से निकला है ना तू वो भी एक औरत है, उस औरत को मैं नंगी करके नचवाऊंगा तो चुदाना कैसा लगेगा तुझे, तेरी माँ का घाघरा ऊंचा ऐसे, तेरी तेरी माँ मेरे सामने अपना घाघरा उठा देगी और उसकी लटकी हुई चूत देखूंगा मैं, और वो लटकी हुई चूत पे मैं फटाके मारूंगा तो फिर तुझे कैसा लगेगा चुदाना, बता आदित्य कैसी फीलिंग आएगी तुझे। कौन सी बातों में मेरे ब्लैकमेल करता था, दो बार लाइव जो हुआ था ना, मैं ड्रिंक कर ली थी, ओवर ड्रिंक था मेरा, और जो दो बार लाइव हुआ था ना उन बातों को रिकॉर्ड करके मेरे ब्लैकमेल करते कि हम वायरल कर देंगे, तुम करो वायरल, हो तो पूरी दुनिया देखी हुई है, मैं किसी के साथ पर्सनल तो नहीं गई ना, तुम करो घंटा मेरा फर्क पड़ेगा, ऐसे ब्लैकमेल करते थे इन लोग। सही बात है भाई, जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, भाई तुम लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसी कोई हरकतें कर रहा है, कोई वीडियो कॉल में आपको ब्लैकमेल कर रहा है या ऐसी कोई चीजें कर रहा है, भाई कांटेक्ट, भाई मेरा कांटेक्ट नहीं करना चाहती हो, आपको लोगों के सामने नहीं आना है, भैनचोद पुलिस कंप्लेन करो, जो भी हो सकता है सब कुछ करो भैनचोद, और ये भैन की लौड़ी बूढ़ा भोसड़ा, भाई देखो आज ये नारी शक्ति का झंडा लेके घूमती है ये बूढ़ा भोसड़ा, आज यहाँ पे इसने एक भी औरत का प्रूफ लाके दिखा, अरे तेरी माँ का भोसड़ा प्रूफ लाके दिखा, यहाँ पे ये बोल रही है, इतनी सारी चीजें इसने सुनाई, इस बंदी को पता ही नहीं था कि वो मादर चोत इलीगल इमिग्रेंट है, वो कभी इंडिया जा ही नहीं सकता है, लोगों लड़कियों को बहन की लौड़ी झूठे बातों में फंसाता था वो, वहां से पता नहीं चलता है बूढ़ा भोसड़ा तुझे। पनोड़ी भाई एक मिनट, अभी मैं शेरनी को ऐड करने वाला हूँ लाइव पे, मेरे लिए आप गाली मत देना, मैं मां चोद दूंगा उसकी,
मैं नीचे बैठा हूँ, मेरा देखो, मैं मुझे नीचे बिठा दे, मैं मेरा दिमाग है ना, अरे नहीं चुपी, मेरा दिमाग सुन, मेरा दिमाग बहुत ही सटका हुआ है, ठीक है। मेरे को ना अभी फोन आया, सुनो, मेरे को एक फोन आया, मैंने वो कह रहे शेर, मैंने बोला वो शेरनी तो गाली दे रही थी पनोड़ी भाई को चिंटू की लाइफ पे, उसने बोला भाई मेरी गारंटी उसने एक भी गाली नहीं दी पनोड़ी भाई को, उसने मैंने बोला अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं ऐड करता हूँ, मैंने बोला मैंने मेरे को पनोड़ी भाई से इजाजत दे दो, पनोड़ी भाई अगर आप इजाजत दोगे मैं तो उसको ऐड करूंगा। तो नहीं नहीं मैं तो देखो भाई, मैं तो चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए सब आवाज उठाए, मैं तो ये चाहता हूँ ना, मेरी आपसी दुश्मनी, मेरी आपसी, मेरी आपसी दुश्मनी, मेरा आपस का झगड़ा साइड पे, ठीक है। अगर वो नारी शक्तियों को सपोर्ट करती है तो मैं चुप रहूंगा, ठीक है, उसको ले लो, मैं अपना कैमरा ऑफ करता हूँ, ले लो उसको, ठीक है भाई। और शेरनी मैं अभी तुम्हें ऐड कर रहा हूँ, मैं इस चीज की तुमसे भी गारंटी चाहता हूँ, देखो मैं गाली नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ शेरनी, पनोड़ी भाई ने मेरी बात मानी, रिस्पेक्ट दी, ना तो तुम पनोड़ी भाई के बारे में बोलोगी, ना पनोड़ी भाई तुम्हारे बारे में बोलेंगे। अगर तुम एक औरत की सपोर्ट करते हो तो मैं अभी तुम्हें ऐड कर रहा हूँ, अगर बाय चांस किसी ने भी तोड़ा और भाई, फिर मैं उसको लाइव से पीछे कर दूंगा और लाइव कर दूंगा, ध्यान रखना। जब लेडीज की सपोर्ट के लिए बात होगी, ना तो तुम पनोड़ी भाई को बोलोगे, ना पनोड़ी भाई तुम्हारे लिए बोलेंगे। सुन, कोई ज्यादा एहसान नहीं कर रहा है तू मुझे ऐड करके यहाँ पे, ठीक है, कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहा है तू मुझे कि मैं ऐड कर, मेरी आज मजबूरी ये है कि मेरी लाइव बंद है, नहीं तो तुम जैसों की लाइव पर बैठ कर ना मैं अपनी बात रखूं, इतने बुरे दिन शेरनी के नहीं आए, पहली बात तो। अच्छा। और पूजा सामने आ जरा, पूजा सामने आई हो, चेहरा मत छुपाइयो, अब सामने आप, नहीं चेहरा नहीं छुपा, एक बात बता, पहली बात, जब तू उसके साथ थी, अच्छा शुरू से मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, ना मुझे किसी को फेम देना और ना किसी का नाम लेना है, शेरनी ने क्या काम नहीं किया ये तू अपने मुंह से बता, जब तू वो क्या नाम है उसका हैरी, क्या क्या मैंने तेरा क्या हेल्प करी थी नहीं करी थी, मुंह से बताइयो, अगर झूठ बोली ना तू तो बोल दे, बोले नहीं उस टाइम पे एक अकेले आप थे जो मेरा सपोर्ट किए थे, उस टाइम पे एक आप अकेले थे जो मेरा सपोर्ट किए थे, हाँ क्या था उस टाइम तेरा सपोर्ट, लाइव पर ना आकर भी, लाइव पर आकर भी पीछे से भी तेरा सपोर्ट किया था नहीं किया था मैंने, किए थे तो तेरे मुंह पे क्या जुबान नहीं है बोलने के लिए कि नहीं भी शेरनी ने मेरा सपोर्ट किया, अब मैं सामने आई तब बोलेगी तू, नहीं तो आप पूछ, वो बात वो मैटर है ही नहीं ना, अभी दूसरी बात बात चल रही है, नहीं बात हो रही है यार, वो लड़कियों को नंगा कर रहे हैं शेरनी, चला गया कॉल से, अरे जो उसने क्या बोला, शेरनी तूने आज तक किसका सपोर्ट किया, तेरा क्या, एक और है क्यूटी, किलर क्यूटी जो आज के टाइम में अनमोल की 2-3 बार लाइव में बैठ चुकी है, उसका क्या मैंने सपोर्ट किया, कल मेरी टच फुट अगर लाइव स्टार्ट हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चिंटू कुलटाने की लाइव पे, इसकी लाइव पे वो एक्स वो कानपुर की वो है नीलम, मेरी फॉलोइंग पे देखना, एक्स मिनिस्टर, उसको मैं लेके आऊंगी, मैंने क्या करवाया था कानपुर में, जिस लड़के ने उसके मीम्स बनाए थे, वकील का बेटा था, मैंने क्या कांड करवाया, क्या मैंने उस लड़की को इंसाफ दिलाया, किलर क्यूटी, ठीक है, आप शायद नाम भी जान चुके हैं किलर क्यूटी करके, ठीक है, उसके सारे चैटिंग, उसके सारी रिकॉर्डिंग की, दीदी मैं मर रही हूँ, मैं सुसाइड कर रही हूँ, सब मेरे पास है, मैंने अपनी दोस्त को बोलकर नीलम को ये सारे काम करा, आज तक मैंने नहीं बोला वो चीज, अरे भैया तुम मुझे बोलो ना, मुझे बोलो कि भैया हमें ये प्रॉब्लम है, तभी तो मैं एक्शन लूं, चाहे वहां मुझे पैसा खर्च करना पड़े, चाहे मुझे अपना पावर, तो मैं आपको लास्ट टाइम बोली थी कि मेरे को प्रॉब्लम थे, उस टाइम पे आप मेरा सपोर्ट नहीं करके आप दूसरे लोगों का सपोर्ट किए थे, जबकि हम आपको मैं सारे प्रूफ दी थी, एक मिनट मेरे को, जब तू प्रॉब्लम में थी, जब तू हाथ काट रही थी, अपने हाथ भी काटा था, मैंने सबको चुप कराया नहीं कराया था, राहुल हरी सबको चुप कराया था नहीं कराया था तेरे खिलाफ, वो प्रॉब्लम के बाद एक बार और प्रॉब्लम हुई थी, जब मैं आपको बोली शेरनी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ शेरनी, एक मिनट मेरी बात तो सुन, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ, अभी पब्लिक ना बैठी,
एक मिनट, तू कोई मेरी बेटी लग रही है, तू मेरी बहन लग रही है, ठीक है, कि तू कुछ भी कदम उठाएगी कि मुझे पता लगेगा। अरे अभी की बात करो ना, पहले पुरानी बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? अभी प्रेजेंट की बातें करो ना। अरे प्रेजेंट, अरे हाँ। पुराना जो निकल गया वो निकल गया। बात मुझे सुना, प्रेजेंट की बात तू कैसे? प्रेजेंट की बातें करो, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है तुम। मैंने तो जब एक बार लाइव, अरे परसों भारती आई लाइव के ऊपर, भारती आई, उसने बोला सारी चीजें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आज वो डर गई, वो पीछे हट गई। आज डर गई नहीं, उसकी लाइव मैं दूसरे फोन में दिखा सकती हूँ, बहुत हंस के स्माइली के साथ। अरे मेरे पास सारा कुछ है हमारे। अरे नाना क्या यार, तेरी लाइव के ऊपर पड़ा हुआ है, क्या बातें कर रही है यार तू? हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा, ये पूजा बैठी है, ये सुन, आप ये देखो, ये वीडियो देखना, ये बात बढ़ रही है, ये बहुत ज्यादा बात बढ़ रही है। शर्म नहीं आई इतना, तू डेली उरे बैठ के तू आई नहीं, इसके बाद और लाइव चली थी, इसके बाद और लाइव चली थी। अरे ये इसके बाद वाली लाइव देखना, अरे ये लोगों ने इसके बाद वाली लाइव देखो। एक मिनट, तुम दोनों चुप रहोगे तभी ऑडियंस सुनेगी ना, चुप रहना एक मिनट। अरे तू नारी शक्ति कर रही है, कल वो लड़की बोल के गई, अब ये लड़की रो रही है, तू क्या चाह रही है शेरनी? तू चाहती क्या ये बता। सुन, तेरे को मैसेज लोगों ने क्या? मेरी बात सुन, ज्यादा ये सुन बन रहा ना तू, मैं तेरे को दिखा रहा हूँ। सुन सुन, तू और तेरा ग्रुप ज्यादा सरपंच बन रहा ना, तू इंसाफ दिला दे अभी ना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। कोई फायदा है? एक मिनट, अब मैं एक ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाने वाली हूँ जहाँ पूजा ने खुद बोला है कि पनोड़ी ने बोला कपड़े उतार मेरे, सुमित ने बोला कपड़े उतार मेरे। रिकॉर्डिंग सुना दो यहीं पे, तो पूरा जा रहा हूँ, और मत बनियो यहाँ पे आप। सुनो, सुना तेरे सुना, नकली नारी शक्तिशाली झूठी औरत, कौन सी बातें लेके आया हो यहाँ पे कर रही है तू? बहन चौथ पनोड़ी का नाम ले रही है मेरी लाइफ के ऊपर? यार तुम अपनी दुश्मनी निकाल रहे हो, सरानी दुश्मनी। नारी शक्ति कह रही है यार तू, शरेआम झूठ बोल रही है। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू बात भी सुन के राजी नहीं लगी हुई है, बड़बड़ 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 बड़बड़। ये कोई बात है यार? आराम से बात कर, बात सुन यार, बात करने का मजा आता है यार। तुम अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो यहाँ पे बैठ के। अरे सुन, मैं तेरे को क्या बात कह रहा हूँ, अगर ये पनोड़ी के बारे में एक भी कोई बात प्रूफ कर दे, मैं सुबह दाढ़ी शेव करवा दूंगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक भी बात पनोड़ी के बारे में अगर ये बोल दे, कोई भी बोल दे, मैं दाढ़ी शेव करा दूंगा। और बता यार, मैं बोलूं तो मेरी बात रिकॉर्डिंग सुना दो तुम। हाँ रिकॉर्डिंग सुना।